मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बैतूल प्रवास के दौरान कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और इसको लेकर जनता में उत्साह का माहौल भी है। वहीं अस्पताल में डॉक्टरों की भर्ती वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में जल्द ही डॉक्टरों की कमी दूर की जाएगी। पिछले दिनों ही कर्मचारी चयन मंडल से 3,500 पैरामेडिकल स्टाफ की सूची जारी की गई है जिनको नियुक्त किया जाएगा। आने वाले समय में कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी नहीं रहेगी। वहीं आपको बता दें, इस बैठक में सांसद दुर्गादास उइके, विधायक गढ़ हेमंत खंडेवाल, चंद्रशेखर देशमुख, डॉक्टर योगेश पंडांगरे, महेंद्र सिंह चौहान सहित बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैतूल से राजेश पाल की रिपोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय है वो स्वागत योग्य है और राजनीति में शुचिता सबसे बड़ी आवश्यकता है। राजनीति में जब शुचिता रहती है तो सरकारें फिर सही दिशा में काम करती हैं, तो इसलिए अरुण जेटली जी ने जो इसके लिए पहल की थी उसमें सफलता मिली है। सर, ये जो आज बैठक की है लोकसभा चुनाव को लेकर, जो लोकसभा को लेकर आपने आज बैठक की है उसमें क्या मंत्र दिया? कार्यकर्ताओं के बीच में हम लोगों की हमेशा की चुनाव के पहले आपस में योजना बनती है, बातचीत होती है, कैसे काम करना है, कैसे चुनाव जीतना है, जिससे कि सरकार हम बना सकें और जन कल्याण के और विकास के कामों को आगे बढ़ा सकें।